हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का 11th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल्स में हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को डिस्कस किया था। आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को एक्सप्लॉइट होने से कैसे बचाया जा सकता है। यानी टुडे वी विल स्टडी द टॉपिक हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा ही था कि जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सैलरी बहुत लो होती है, फिक्स्ड आवर्स नहीं होते काम के, साथ ही कोई भी उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। तो इस तरह की काफी ज्यादा दिक्कतें वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को सहनी पड़ती है। सो टुडे वी विल डिस्कस कि कैसे इन वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सपोर्ट किया जा सकता है और कैसे इनके कंडीशन को सुधारा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर कोई कंपनी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही है तो वहाँ उसको बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब बहुत सारे नियम कानून होते हैं अगर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो, जैसे कि आपको पता ही है। फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कंपनी का प्रॉफिट शेयर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने में काफी ज्यादा निकल जाता है, मतलब इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो फुलफिल करनी पड़ती है। किसको? कंपनी के ओनर को, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको। तो वही सब पूरा करने में उनका जो प्रॉफिट शेयर है वो निकल जाता है। कैसे? जैसे टैक्स पे करना होता है उनको, लेबर लॉज को फॉलो करना होता है, यानी लेबर की, यानी लोगों की जो काम कर रहे हैं कंपनी में, फैक्ट्री में, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें, सारे रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस सब फॉलो करने के लिए, सबको फुलफिल करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्रॉफिट शेयर है वो काफ़ी हद तक निकल जाता है। फ्रेंड्स, इसीलिए ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के ओनर्स चाहते हैं कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाएं। क्यों? क्योंकि कंपनीज चाहती हैं, ओनर्स चाहते हैं, एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि उनको लॉस फॉलो ना करने पड़े, उनका जो प्रॉफिट खर्च हो जा रहा है, निकल जा रहा है, इन लॉस को पूरा करने में वो बच जाए, टैक्सेस ना पे करने पड़े उनको। तो इसीलिए इन तमाम रीजंस की वजह से वो क्या चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ वो बढ़ने लगे। एज अ रिजल्ट फ्रेंड्स, लार्ज नंबर में वर्कर्स मजबूर हो जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए। फ्रेंड्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को कम सैलरी देकर एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो आपको पता है। उनकी रेगुलर अर्निंग नहीं होती है और जो अर्निंग होती है वो बहुत कम होती है। फ्रेंड्स, इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना तो जॉब की कोई सिक्योरिटी मिलती है और ना ही कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, 1990 से ये कॉमनली देखा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी लोग अपनी जॉब्स खो दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को निकाला भी गया है फॉर सेवरल रीजंस, और बहुत ज़्यादा जॉब्स जाते हुए 1990 से कॉमनली देखा गया है। फ्रेंड्स, जिसके चलते उन लोगों को जिनकी जॉब्स चली गई हैं उनको कम सैलरी के साथ ही, लो अर्निंग्स के साथ ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, वर्कर्स हैं उनको। फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ाने के साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है।
यानी कि फ्रेंड्स अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है, ये सच है। तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, लोगों को काम मिल रहा है, मतलब लोग अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन, प्रॉपर सपोर्ट वो भी मिले, ये भी बहुत ज़्यादा एक बड़ा कंसर्न है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। वैसे तो आपको पता ही है, आप लास्ट मॉड्यूल में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको तीन तरह से आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूरल एरियाज़ की, जी हाँ विलेजेस की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स रूरल एरियाज़ में लैंडलेस लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर, आर्टिजन्स जैसे वीवर्स, कारपेंटर्स, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। मतलब जो गांव के साइड की अगर हम बात करें, रूरल एरियाज़ की बात करें, तो वहां पर जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, जिनके पास लैंड नहीं होती, जो दूसरों के फार्म्स में, दूसरों के लैंड्स पर काम करते हैं वो, साथ ही स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास बहुत छोटी छोटी लैंड्स होती हैं, साथ ही शेयर क्रॉपर्स यानी वो लोग जिनके पास खुद का ज़मीन नहीं होता, वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं और क्रॉप्स का जो हिस्सा होता है वो शेयर कर लेते हैं काम करके लैंड पे। उसी के साथ साथ आर्टिजन्स जैसे वीवर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, ऐसे तमाम लोग रूरल एरियाज़ में ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, लैंडलेस लेबरर्स के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती है, तो बड़े फार्मर्स इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इनसे ज़्यादा काम के बदले कम पैसे देते हैं। फ्रेंड्स इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये जो फार्मर्स हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स दीज फार्मर्स need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credit, storage facilities and marketing outlets. यानी friends, government अगर timely इन farmers को seeds deliver करवाने का provision बना दे, या कुछ agricultural inputs जैसे subsidized rate पर farmers को tractors provide करवा दे, या फिर नए मॉडर्न इक्विपमेंट प्रोवाइड करा दे, या फिर सस्ते दामों पर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर दे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो और फार्मर्स को लोन मिल जाए, तो इससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, फार्मर्स को, वर्कर्स को हेल्प मिल सकती है। साथ ही फ्रेंड्स गवर्नमेंट अगर स्टोरेज की फैसिलिटी, मार्केटिंग आउटलेट्स भी ओपन करवा दे तो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इनको, यानी अगर मंडी तक जाने के लिए कोई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा दे गवर्नमेंट तो भी इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। फ्रेंड्स इन सब से, इन सभी प्रोविजन से रूरल एरियाज़ में काम करने वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हुई रूरल एरियाज़ की, है ना। रूरल एरियाज़ से अब हम चलते हैं अर्बन एरियाज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स अर्बन एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट वेंडर्स, गारमेंट मेकर्स, हेड लोड वर्कर्स, रैग पिकर्स, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। और फ्रेंड्स इन सब का प्रोटेक्शन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब अर्बन एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन शामिल होते हैं मेनली बताइए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वर्कर्स, साथ ही कैजुअल वर्कर्स। फ्रेंड्स कैजुअल वर्कर्स से हम मीन कर रहे हैं पार्ट टाइम वर्कर्स या फिर टेम्प्ररी वर्कर्स जो होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपको दिखते हैं, या तो कोई बिजनेस में कभी कभी जो डेली का काम करते हैं उस तरह के वर्कर्स, साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स
जो स्ट्रीट्स पे आपको दिखते हैं वेंडर्स, सब्जी वाले या फिर कोई छोटा फूड स्टॉल चलाते हुए, साथ ही गारमेंट मेकर्स, हेड लोड वर्कर्स जो अपने सर पे या फिर बैक पे बोझा लेकर, जैसे ब्रिक्स हो गए, सीमेंट हो गए, इन सबको इधर से उधर पहुंचाते हैं, और साथ ही रैक पिकर्स जो कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं। ये सब अर्बन एरियाज में मोस्टली दिखते हैं और ये सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा होते हैं। फ्रेंड्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। मतलब फ्रेंड्स, ये जो वर्कर्स होते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा होते हैं अर्बन एरियाज में, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे रॉ मटेरियल ऑब्टेन करना हो या मार्केटिंग हो प्रोडक्ट्स की, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना इन सभी चीज़ों में चाहिए। बेसिकली कैजुअल वर्कर्स रूरल एरियाज में हो या अर्बन एरियाज में, दोनों जगह प्रोटेक्शन और सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज की। अगर हम कास्ट वाइज बात करें तो फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो होते हैं वो बेसिकली शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल्स या फिर बैकवर्ड कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं। और ये जो लोग होते हैं, मतलब ये जो वर्कर्स हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में पाए जाते हैं मोस्टली। और फ्रेंड्स, इनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इनके साथ इस सेक्टर में बाकी प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव भी इनको झेलना पड़ता है। फ्रेंड्स, बेसिकली प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट इन सभी वर्कर्स को मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और साथ ही सोशल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसीज बनाएगी, इनको सपोर्ट देगी, तो इनकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। और इस प्रोटेक्शन से, इस सपोर्ट से जो गवर्नमेंट अगर इनको देती है, तो ना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यानी मॉनेटरी वाइज लोगों का, पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, उसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी होगा। लोगों को इक्वालिटी मिलेगी, लोगों के बीच भेदभाव नहीं होगा, तो ओवरऑल डेवलपमेंट इससे देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन कौन काम करते हैं और उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए। तो हमने देखा कि रूरल एरिया में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फार्मर्स पाए जाते हैं जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो फ्रेंड्स हमने जाना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा पार्ट है एग्रीकल्चर, और स्मॉल और मीडियम फार्मर्स काफ़ी परेशानी में रहते हैं। तो इन्हें अच्छे क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, चीप लोन्स और प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाना चाहिए, है ना? यही समझ आया ना हमें? अगर इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी तो इनका सुधार होगा, इनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सकता है। वहीं अर्बन एरियाज में फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मजदूर, लेबर, ये सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होते हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट क्या कर सकती है इनके लिए? गवर्नमेंट अच्छे लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकती है, यानी जो इन वर्कर्स के लिए जो भी बेनिफिशियल हो, जैसे वर्किंग आवर्स को फिक्स करके, वेजेस को फिक्स करके। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट अच्छे लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज से सपोर्ट करके इन लोगों को हेल्प कर सकती है। और फ्रेंड्स, अगर कास्ट वाइज बात करें तो ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, मतलब इसी सेक्टर में ये ज़्यादातर काम करते हुए पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट कर सकती है, कैसे? ये इंश्योर करके कि इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, इन द रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर
mostly comprises of landless agricultural laborers, small and marginal farmers, sharecroppers, and artisans. These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credit, storage facilities, and marketing outlets. Friends, in the urban areas, unorganized sector comprises mainly of workers in small-scale industry, casual workers, headload workers, and rag pickers. Friends, small-scale industry also needs government support for procuring raw material and marketing of output. Friends, we also find that majority of workers from scheduled castes, tribes, and backward communities find themselves in the unorganized sector. Friends, besides getting the irregular and low-paid work, these workers also face social discrimination. Friends, basically, protection and support to the unorganized sector workers is thus necessary for both economic and social development.